a प्लस टेन a प्लस 2d, d का मान आपको कितना दिया है 10 अंश, और a प्लस 3d 3 × 10 अंश बराबर में 360। बताओ a कितनी बार है, 4 बार होगा, देखो a 2 बार 3 बार 4 बार, तो क्या लिखा जाएगा 4a। अब बताओ 10 लिख लेते, 10 20 30 10 20 30 50 60, यहाँ कितना रहेगा 360। अब बताओ 4a बराबर क्या रहेगा, 360 माइनस 60 तो कितना आ गया 4a बराबर 300, तो a बराबर 300/4। काटू भैया ने कितना आता है 428, 4×5=20, तो a का मान कितना आ गया 75 अंश। तो आपका पहला कोण क्या आ गया 75 अंश। तो दूसरा कोण बताओ, दूसरा कोण क्या है a प्लस बी, देखना प्रथम कोण, प्रथम कोण, दूसरा कोण, दूसरा कोण a प्लस बी, a का मान कितना 75, 75 + 10 कितना हो जाएगा 85। फिर तीसरा कोण, तीसरा कोण a प्लस क्या होता है 2d, तो a प्लस 2d, a का मान 75, b का मान आपका निकाला था 20, तो 75 × 20 = 95 कितना जाएगा 95। इसी प्रकार चौथा कोण, चौथा कोण बताओ a प्लस क्या आ जाएगा 3d, a का मान 75 है, 3 × 10 75 + लगा देना डिग्री का निशान 30, 75 और 30 5 × 7 = 10 कितना हो जाएगा 105 अंश। अतः चतुर्भुज के चारों कोण 50 कितना आ जाएगा 75 अंश, कहाँ 85 अंश, कहाँ 95 अंश, तथा 105 अंश है। सबसे पहले क्या कहेंगे, कह रहा था कि चतुर्भुज के कोण एपी में, तो एपी में आपको संख्या मानना बताया गया था a+b+2d+3d, उसके बाद आपको सार्वांतर दिया था चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360 अंश। तो यहाँ से आपने मान किसका निकाल लिया a का, a का मान कितना आ गया 75। इसी प्रकार चारों कोण हमें ज्ञात हो गए। कराए तीन संख्याएं एपी में हैं, या तीनों संख्याओं का योगफल 27 है 1 + 6 = 48 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ माना एपी में तीन संख्याएं, माना एक, माना एपी में तीन संख्याएं कौन कौन सी बताई थी हमने, एक बताया था a-d a और a+d है। कोई जरूरी नहीं आप यही माने, ठीक, आप ये भी मान सकते हैं a+d a+2d, बस इतना होगा कि जल्दी से लग जाएगा, इसमें थोड़ी बुरा भाग होगी बस। अब देखो पहली शर्त क्या कह रहा है, ये तीनों संख्याओं का योगफल 27 है, तो पहली शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त का अनुसार तीनों संख्याओं का योगफल 27 है, तो a-b + a a+d बराबर कितना 27, केवल 27 है, ठीक, डी से डी चला जाएगा कितना बचेगा a कितना जाएगा 3a = 27, तो 3 × 27 a का मान कितना जाएगा 9, a का मान कितना जाएगा 9। अब बताओ कह रहा था तथा गुणनफल 648 है, सेकेंड शर्तानुसार, सेकेंड शर्तानुसार सेकेंड शर्त क्या कह रहा था, इनका गुणनफल कितना है, उनका गुणनफल है 648, संख्या कितनी है a-b a a+d, अब बताओ a-d है, a का मान पहले से पता है, तो a का मान कितना है 9 - d, और a का मान तो पता नहीं हमें, निकाल में अलग करो तो फिर क्या है a+d, तो यहाँ क्या रहेगा 9 + d बराबर कितना है 648। तो दिक्कत यहाँ से आपका क्या a+b का d क्या क्या था a+d 9 + d लिखा है, ठीक। अब बताओ a का मान कितना था 9 दिया था, अब बताओ कितना रहेगा 9 + d और 9 - d, यही तो है,
बराबर में क्या है 648 बटे 9 कर दे तो ठीक है, क्योंकि क्या है इधर भाग में इधर आएगा गुणन हो जाएगा, तो 8 4 12 6 18 देखो 9 से का पहले 3 से काटो 3 3 8 9 3 9 6 3 कम 3 7 18 3 7 21 3 9 6 बाहर आया। अब बताओ ये a प्लस b a माइनस b का वर्ग बन रहा तो क्या लिखोगे 9 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कितना है 72 और 9 का 81 माइनस b स्क्वायर 7 7 कितना 7 का स्क्वायर 72 निकल गया ठीक। अब बताओ 81 माइनस 72 बराबर क्या डी स्क्वायर, अब 11 से 2 जाएगा कितना बचेगा 9 और बचा, अब डी स्क्वायर आया तो डी का मान क्या जाएगा प्लस माइनस का 3 आ जाएगा, डी का मान क्या जाएगा प्लस माइनस का 3, डी का मान प्लस माइनस का 3 क्यों आया क्योंकि क्या डी बराबर ऐसे लिखोगे अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 को क्या लिखोगे प्लस माइनस 3 लिखोगे, तो डी का मान एक बार प्लस का आया एक बार क्या आया माइनस का, तो एक बार डी का मान प्लस में रखेंगे एक बार माइनस में रखेंगे ए माइनस डी और ए प्लस डी जो दिया तो मान लेना तीनों संख्याएं पता हो जाएगी ठीक। इसमें आपको कितने सवाल दिए गए थे 4, इसका साइज जो 5.4 थी इसमें 4 सवाल दिए गए थे, पहला चौथा बता दिया गया ठीक, दूसरा तीसरा बिल्कुल ऐसे तीन संख्याएं एक ही में है इनका योगफल 21 है, प्रथम और तृतीय पद का गुणनफल इतना है, द्वितीय पद 6 से अधिक है, ऐसे संख्याएं और डी के मान निकालना आ जाएंगे ठीक। चार संख्या एपी में है, चार संख्याओं के लिए बताया गया था क्या a माइनस 3d a माइनस b a प्लस d a प्लस 3d मान लेना ना लगे जो है 5.5 बता दी गई पूरी रिफर साइज जो 5.4 है 1 से 4 तक सवाल लगाना है, इसके जो पहले के एग्जांपल कितने दिए गए हैं 1 2 3 3 उदाहरण दिए गए हैं तीनों लगाना है ना लगे।